दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में दबंग का टैग सलमान खान को यूं ही नहीं मिला है। आप भी ये जानते होंगे कि सलमान खान से पूरा बॉलीवुड डरता है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सलमान खान हमेशा से ही अपने गुस्सैल व्यवहार के लिए जाने जाते रहे हैं। ऐसे में सलमान खान ने बहुत सारे लोगों का करियर भी बर्बाद कर छोड़ दिया है। उन्हीं में से कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने सलमान के साथ बिना सोचे समझे पंगा लिया और सलमान के हाथों अपना करियर बर्बाद करवा लिया। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका करियर सलमान खान ने चुटकियों में खराब कर दिया। सबसे पहले बात करेंगे विवेक ओबेरॉय की। सलमान खान से ब्रेकअप होने के बाद ऐश्वर्या राय विवेक ओबेरॉय के करीब आ रही थी। वहीं सलमान खान ऐश्वर्या को मनाने की कोशिशें कर रहे थे। ऐसे में जब सलमान को इस बात की खबर लगी तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने विवेक ओबेरॉय को फोन किया और उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया। वहीं विवेक ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया और पुलिस के सामने रखने की बेवकूफी की। इसके बाद से विवेक ओबेरॉय सलमान खान की हिट लिस्ट में शामिल हो गए। लेकिन वक्त के साथ विवेक ने सलमान से माफी भी मांगी, लेकिन सलमान ने आज तक उन्हें माफ नहीं किया है और उसके बाद से ही विवेक ओबेरॉय का करियर डूबता चला गया है। वहीं सलमान खान ने ऐश्वर्या राय का करियर भी डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐश्वर्या के साथ सलमान के रिलेशन कुछ इस तरह थे कि सलमान ऐश्वर्या को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव थे। ऐश्वर्या जहां भी काम के लिए जाती, सलमान वहां सेट पर पहुंचकर बहुत हंगामा कर देते थे। इसी वजह से ऐश्वर्या को कई फिल्मों से निकाल भी दिया जाता था। ऐसे में आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते में रानी मुखर्जी से पहले ऐश्वर्या राय थी। ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म का काफी हिस्सा शूट भी हो चुका था, लेकिन एक बार सलमान खान चलते चलते फिल्म की शूटिंग के सेट पर पहुंचे और ऐश्वर्या के साथ बहुत बदसलूकी करने लगे, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने तंग होकर ऐश्वर्या को ही फिल्म से निकाल दिया। वहीं आज तो सलमान और शाहरुख खान काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि ये दोनों ही एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। इनकी दुश्मनी की शुरुआत साल 2008 में कैटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में हुई थी। बताया जाता है कि पार्टी में शाहरुख खान ने उनको ऐश्वर्या राय के नाम से चिढ़ा दिया था। इसके बाद सलमान इतना भड़क गए कि उन्होंने शाहरुख खान को सबके सामने सुना दिया, जिसके बाद से उनके और शाहरुख के बीच काफी सालों तक बहुत मनमुटाव भी रहा था और इनकी दुश्मनी काफी लंबी चली थी। वहीं रणबीर कपूर को भी एक बार सलमान खान जोरदार थप्पड़ जड़ चुके हैं। ये बात तब की है जब रणबीर ने बॉलीवुड में एंट्री भी नहीं की थी। उस दौरान रणबीर और सलमान एक ही क्लब में एक ही पार्टी में मौजूद थे। उस दौरान दोनों की मुलाकात हुई और दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो गई, जिस पर सलमान खान को गुस्सा आ गया और वो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अपने गुस्से में रणबीर को एक बहुत जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बॉलीवुड में हर कोई सलमान खान से डरता है। सलमान चाहे तो किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुँचा सकते हैं। वहीं बॉलीवुड में ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि सलमान का जिससे भी झगड़ा हो जाता है उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना ही बंद हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ इसी वजह से करियर खत्म हो चुका है कि उन्होंने सलमान खान से पंगा ले लिया था। यही वजह है कि पूरा बॉलीवुड सलमान खान से बहुत डरता है। वहीं आपको बता दें कि सलमान खान की दुश्मनी अनुराग कश्यप से भी है। सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को पहले अनुराग कश्यप डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन अनुराग कश्यप का कहना था तेरे नाम फिल्म में राधे के रोल में सलमान खान फिट नहीं बैठेंगे, पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर सलमान खान के साथ ही ये फिल्म बनाना चाहते थे और नतीजा ये हुआ कि फिल्म में सलमान खान तो पक्के रहे, लेकिन अनुराग कश्यप को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं एक बार का किस्सा ऐसा है कि जब अरिजीत सिंह ने एक अवार्ड फंक्शन के दौरान नादानी में सलमान को गुस्सा दिला दिया था और उसके बाद से ही सलमान खान ने अरिजीत सिंह के करियर को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलमान खान ने अपनी हर फिल्म से अरिजीत सिंह के गानों को हटवा दिया और वो साफ साफ ये कह देते थे कि अगर इस फिल्म में अरिजीत सिंह गाएंगे तो मैं इस फिल्म में काम नहीं करूँगा। वहीं जो लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान के करीबी थे उन्होंने भी अरिजीत सिंह को काम देना बंद कर दिया था। अरिजीत भी कई मौके पर सलमान खान से माफी मांगते हुए नजर आए हैं, लेकिन सलमान ने अरिजीत को आज तक माफ नहीं किया है।
दोस्तों यही सब वजह है कि सलमान खान से पूरा बॉलीवुड डरता है, क्योंकि सलमान खान की एक बार जिससे ठन जाए तो उसका बॉलीवुड में करियर खत्म ही समझो, और पूरा बॉलीवुड उस इंसान के खिलाफ हो जाता है जो सलमान खान से पंगा लेता है। दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या सलमान खान का ये गुस्सैल रवैया, छोटी छोटी बात पर हर किसी से दुश्मनी मोल ले लेना और जिससे उनका झगड़ा हो जाए वो पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में उस इंसान को बैन ही करवा देते हैं, क्या ये सब सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।